तो स्वागत है आपका। आपने इस धरती पे अलग अलग प्रकार के देखे होंगे, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, आपने इस दुनिया के सबसे बड़े चूतिया को नहीं देखा होगा। तो आज इस चूतिया के बकचोदी का हिसाब लेंगे आज की वीडियो में इसकी। तो आइए देखते हैं बाहर से मजा आ रहा। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारी आंखों के सामने 47वें कब्जा लिया भैया, दो दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज, मार डाला। तो इसको क्या कहेंगे आप, चूतिया। कहां से आते हैं? भूल गया क्या वो दिन है जब तू दिन में बूट पॉलिश और रात को तेल मालिश किया करता था? जब बुझती थोड़ी मजाते रखिए। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों में, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आप भोसड़ी के बाप, मुझे इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हुल्ली हुलेरी हुल्ला। अरे भाई जरा देखिए तो इस गटर के कीड़े नौटंकी बाद चमन चूतिया बाबा को कैसे बतिया रहा। अब से पहले तक ही लोग नाथुराम गोडसे का पूजा करते थे, उसका जो है महिमा मंडन करते थे, लेकिन जरा देखिए कि अब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रहा है। पहली बार पोसड़ा हुआ है। गोडसे जी को देवता तो ले मानता हूँ, गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे लिए प्रात स्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गोडसे जी को मानता हूँ, गोडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरे भाई ये इस अखंड लेवल के महा चूतिया को तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका एक ही काम होता है, नफरत फैलाना और नफरत फैलाना। अब जरा देखिए कि कैसे बतिया रहा है। अरे नाथुराम गोडसे ने ऐसा कौन सा तोप मार दिया था भाई कि जिसके वजह से ये लोग जीवित है। देखिए ये जुमला है वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ए देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को। नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। गोडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गोडसे जी ने हमारे लिए जान दी है, तो गोडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो गंदगी का ढेर था। कोई भी साला गांजा फूंक के आ जाता है भैया। यार सच बताऊं तो यार ये बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए। ओए नाच बे साले। यही नहीं, अभी और सुनिए। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुछ भी, कुछ भी। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। 1 इंच। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 4-5 धर्म हैं, लेकिन भैया खतरे में हमेशा हिंदू रहता है। तो क्या बाकी धर्मों को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है? अरे भाई इस चमन चूतिये को कोई समझा है कि जिस देश की आबादी की 80% की हिस्सेदारी हिंदुओं की है, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में है और कहां हिंदुओं को जगह नहीं मिल रहा है? गजब बतियाता है। अरे भाई या तो ये खुद चूतिया या पूरे देश को चूतिया समझता है। अबे सुधर जाओ, बे सुधर जाओ। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। और ये सत्यवादी है, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है, ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सही पकड़े हैं। तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गोडसे और सावरकर की बात कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। इनके इसी चूतियप्पे के वजह से सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। हर टाइम ना सोचना पड़ता है भेंचोद कि नया गाली कौन सा दूं। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा,
जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोल्हू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया, गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है। लेकिन गॉड से सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। ये क्या है, ये तो टट्टी है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो अखंड लेवल के चूतिये को गांधी जी से कितना तकलीफ है भाई, तब तो ये इंडियन करेंसी अभी यूज नहीं करता होगा। और अगर उसमें भी तकलीफ है तो गांधी जी के फोटाउआ के जगह में सावरकर और गोडसे का फोटाउआ डलवा दो ना, कौन तुमको रोक रहा है, है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोड़ो भेंचो, तुमको क्या बोलना यार,